हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और यह हमारा टैली के बेसिक कोर्स विद जीएसटी का पार्ट 58 वीडियो है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि प्राइस लिस्ट क्या होता है, प्राइस लिस्ट किस तरीके से काम करती है और टैली सॉफ्टवेयर में प्राइस लिस्ट के साथ कैसे हम अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। और साथ ही अगर आपने इसके पीछे के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे क्लिक करके पीछे के सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस को टाइम टू टाइम देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि प्राइस लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से क्रिएट की जाती है और कैसे प्राइस लिस्ट की मदद से टैली सॉफ्टवेयर में अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। इससे पीछे की वीडियो में हमने आपको स्टैंडर्ड रेट के बारे में बताया था, जिसके ऊपर हमने सेपरेट अलग पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताया गया था कि स्टैंडर्ड रेट क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं और कैसे स्टैंडर्ड रेट की मदद से टैली सॉफ्टवेयर में अपनी सेल और परचेज की एंट्री की जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको प्राइस लिस्ट के बारे में बताएंगे। स्टैंडर्ड रेट हमारा एक ऐसा रेट होता है जिसमें हम एक बार किसी आइटम पर अगर कोई रेट फिक्स कर देते हैं तो जैसे ही हम कोई भी सेल और परचेज की एंट्री करते हैं तो वो आइटम वाइज ऑटोमेटिक उस पर सिलेक्ट हो जाता है। यानी हम किसी भी आइटम पर अगर उसका स्टैंडर्ड रेट लगा देंगे तो जब हम सेल और परचेज करेंगे तो रेट में ऑटोमेटिक वो रेट आ जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको प्राइस लिस्ट के बारे में बता रहे हैं। प्राइस लिस्ट का मतलब जब भी हम अपनी कोई बल्क में सामान बेचते हैं, यानी अगर हम 10 से 20 की क्वांटिटी बेचेंगे तो उसका प्राइस अलग होगा, 20 से 50 बेचेंगे तो उसका प्राइस अलग होगा और साथ ही 50 से ज़्यादा बेचेंगे तो उसका प्राइस अलग होगा। ऐसे आप अपनी किसी भी आइटम में अलग अलग उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी क्रिएट करने के साथ साथ उसकी प्राइस लिस्ट को क्रिएट करने के साथ साथ पूरी एक सेल की एंट्री भी करके दिखाएंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्राइस लिस्ट अपनी हर आइटम पे अलग अलग क्रिएट की जा सकती है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम प्राइस लिस्ट को क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपको एक फ्रेश सेल की एंट्री करके दिखाएंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, अगर आपने इसमें कोई स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो आइए सबसे पहले हम प्राइस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और टैली सॉफ्टवेयर में प्राइस लिस्ट को क्रिएट करने से पहले हमें इसके अंदर अपने कुछ फीचर्स को इनेबल करना होगा। तो उन फीचर्स को इनेबल करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे। और कंपनी फीचर्स में रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको दो अपने फीचर्स को इनेबल करना होगा। पहला, इनवॉइसिंग के अंदर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको यस कर दीजिए। देन दूसरा, हमारा सेल्स मैनेजमेंट के अंदर यूज मल्टीपल प्राइस लिस्ट, इसको भी यहाँ से यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपने दो फीचर को इनेबल करना है। सबसे पहले आपका यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस और सेकंड, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। जैसे आप इसे यस करेंगे यहाँ पे हमारे सामने कंपनी प्राइस लेवल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमें अपनी प्राइस लिस्ट का एक नाम देना होगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम प्राइस लिस्ट दे देते हैं। ये हम आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट लिख देते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा जाते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में हमने अपने दोनों फीचर्स को इनेबल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसके अंदर अपनी प्राइस लिस्ट को क्रिएट करते हैं आइटम वाइज। तो प्राइस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की आई। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको प्राइस लिस्ट नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा है। ये ऑप्शन आपको तब तक शो नहीं होगा जब तक इन्वेंट्री फीचर्स में जाके प्राइस लेवल वाली ऑप्शन को यस नहीं करेंगे। जैसे आप उसको यस कर देंगे यहाँ पे आपका प्राइस लिस्ट नाम का ऑप्शन शो हो जाएगा। और अगर आपको ये विजिबल शो नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आपने अपनी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट नहीं किया है। ये आपको तभी विजिबल होगा जब आपने अपनी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट नहीं किया तो ये आपका इनविजिबल होगा, यानी आपको शो तो होगा लेकिन वो आपका क्लिकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना होगा। हमने पहले से स्टॉक आइटम्स क्रिएट करके रखी हुई हैं, तो सिंपल हम प्राइस लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं या तो इसकी शॉर्टकट की है P। इस पर क्लिक करते यहाँ पे हमारे से सबसे पहले पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप नेम।
यानी आप कौन कौन से स्टॉक ग्रुप को इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी आइटम्स के अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप में वो सारे ग्रुप आपको शो हो जाएंगे। आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको ऑल आइटम्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल आइटम्स ले लेते हैं। उसके बाद प्राइस लेवल, तो यहाँ पे प्राइस लेवल हमने क्रिएट कर दिया था प्राइस लिस्ट नाम से, तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए। देन यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी आप इसको कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पीरियड यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप ईयर के शुरुआत में करना चाहते हैं, 1 अप्रैल में करना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल की डेट यहाँ पे डाल दीजिए। इसे एंटर करते यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ आइटम है, हमारी सारी स्टॉक आइटम शो हो जाएगी जितनी भी हमने क्रिएट करी हुई है, और हर स्टॉक आइटम पे हम अपनी एक अलग से प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्राइस लिस्ट क्रिएट करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको एक सेल की एंट्री करके दिखाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हमारी आइटम है एम आई नोट 8 प्रो, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एम आई नोट 8 प्रो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फ्रॉम और लेस देन, यानी हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सबसे कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल करेंगे, कि उसका क्या रेट होगा, और लास्ट में जो हमारा कॉस्ट प्राइस शो हो रहा है वो हमारा लास्ट सेल प्राइस है, कि हमने लास्ट कितने में इसको सेल किया। तो उसको हम यहाँ पे इग्नोर करते हुए यहाँ पे सबसे पहले अपनी नई एक प्राइस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ भी, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग इस प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको एग्जांपल के लिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो सबसे पहले लेस देन, लेस देन यानी अगर हम 10 पीस को सेल करेंगे तो जो हमारा रेट होगा वो होगा हमारा 15,000 का। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अगर हम 10 से लेके 50 पीस सेल करेंगे तो जो हमारा रेट होगा वो रेट हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 14,500 का। नेक्स्ट अगर हम 50 से लेके 100 पीस को सेल करते हैं तो जो हमारा रेट होगा वो होगा हमारा 14,000 का, और साथ ही में उसमें हम 1% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में अगर हम 100 से ज़्यादा सी पीस को सेल करते हैं तो जो हमारा प्राइस होगा वो होगा हमारा 13,000 का, और साथ ही में हम 1.5% डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो पहली आइटम की पूरी हम प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम 10 पीस को सेल करते हैं तो 10 पीस का जो हमारा प्राइस है वो होगा हमारा 15,000, साथ ही में अगर हम 10 से लेके 50 पीस सेल करते हैं तो प्राइस हो जाएगा हमारा 14,500, और 50 पीस से लेके अगर 100 पीस हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्राइस हो जाएगा 14,000, और साथ में 1% का उस पर डिस्काउंट, और लास्ट में अगर 100 से ज़्यादा पीस है तो प्राइस हो जाएगा हमारा 13,000। इसके अंदर हमारा कहने का ये मतलब कि अगर 50 से 100 अगर हमने 70 75 80 या 90 कोई भी पीस हमने इसमें से सेल किए तो उनका प्राइस हमारा 14,000 ही रहेगा। आइए हम अपनी बाकी की स्टॉक आइटम पे भी एप्लीकेबल कर लाते हैं। जैसे जैसे आप स्टॉक आइटम पे एप्लीकेबल करते रहेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से वो हमारी हटती जाएंगी। नेक्स्ट हमारा सैमसंग हेडफोन, तो इसकी प्राइस लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले अगर हम 10 पीस को सेल करेंगे तो इसका प्राइस होगा हमारा 1,000। नेक्स्ट अगर हम 10 से लेके 50 पीस सेल करेंगे तो इसका प्राइस हमारा हो जाएगा 900, और अगर हम 50 से ज़्यादा पीस सेल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 850 का, और इस पर 1% का हमारा डिस्काउंट भी मिलेगा। और लास्ट सैमसंग J7, अगर हम इसके 10 पीस एक साथ सेल करते हैं तो इसका हमारा प्राइस रहेगा 20,000, अगर हम 10 से लेके 50 पीस सेल करते हैं तो इसका प्राइस हो जाएगा 19,500, एंड 50 से लेके 100 पीस सेल करते हैं तो इसका प्राइस हो जाएगा 18,000, और 1% का इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, और 100 से ज़्यादा पीस पे इसका प्राइस हो जाएगा 17,000, साथ ही में 1.5 का इस पर डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली अपनी सारी आइटम पे यहाँ पे अलग अलग तरह की प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने सारी प्राइस लिस्ट बना दी है कि अगर 10 से लेके 20 पीस, 10 से लेके 50 पीस या 50 से ज़्यादा पीस, जो भी आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे आपके कस्टमर आपका सामान परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इस पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और प्रिंट लेके अपने रिकॉर्ड्स में भी रख सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए इसकी शॉर्टकट की Alt+P, और यहाँ पे आपके सामने प्रिंट की स्क्रीन शो हो जाएगी। पहले हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे Alt+P, यहाँ पे विद प्रीव्यू करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए, और जूम करने के लिए Alt+Z। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो प्राइस लिस्ट है ऑल आइटम्स यहाँ पे शो हो रही है। आप इसको अपने रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कौन सी आइटम पे कितना प्राइस एप्लीकेबल होता है। तो आइए अब हम यहाँ पे आपको सिंपल एक सेल की एंट्री करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी ये वर्क करेगी। तो उसके लिए सेल की एंट्री करने के लिए गेट अप ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन वाले फीचर्स में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए, इसकी शॉर्टकट KV, और यहाँ पे सेल की एंट्री करने के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। F8 की प्रेस करते हैं देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्राइस लेवल नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा है। आइए हम सेल की एंट्री करके दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन इससे पहले हमने कहा था जो हमारी प्राइस लिस्ट है और प्राइस लेवल है वो हमारी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे हम डेट को चेंज कर लेते हैं F2 की, और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं 1/10। तो यहाँ पे हमारी डेट चेंज हो चुकी है। सबसे पहले इन्वॉइस नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम हम कोई भी पार्टी का अकाउंट नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
देन यहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जैसे ही आप आर्टिस अकाउंट नेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने प्राइस लेवल में हमारी प्राइस लिस्ट आ जाएगी, जो भी हमने प्राइस लेवल क्रिएट किया होगा। हमारे इस कस्टमर के ऊपर हमारी कंडीशन लगी हुई, तो हम विवेक टेलीकॉम को ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने प्राइस लेवल शो हो रहा है। प्राइस लेवल यानी आप चाहे तो उसको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट से भी सेल कर सकते हैं। अगर आप इस कस्टमर को किसी प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग माल सेल करते हैं तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस लिस्ट आ गया। तो यहाँ पे अभी हम एक कस्टमर को आपको प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सेल एट द रेट 18% और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हम तीनों आइटम को एक एक करके सेल करके दिखाते हैं। सबसे पहले MI नोट 8 प्रो, तो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर हम 10 से कम पीस सेल करेंगे तो उसका प्राइस होगा हमारा 15,000। तो यहाँ पे 8 हम सिलेक्ट करते हैं, 8 पीस जैसे हम सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे इसका जो हमारा प्राइस है वो हमारा 15,000 पे ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड हमने कंडीशन लगाई थी, अगर हम 10 से लेके 50 पीस सेल करेंगे तो हमारा प्राइस हो जाएगा 14,500। तो यहाँ पे हम 45 पीस को सेल करके देखते हैं, तो आप देखेंगे 45 पीस पे जो हमारा प्राइस हो गया वो हो गया 14,500। नेक्स्ट हमने कंडीशन डाली थी, अगर हम 50 से लेके 100 पीस सेल करते हैं तो हमारा प्राइस हो जाएगा 14,000 और 1% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम 90 पीस सेल करते हैं जब 50 से 100 के बीच में आते हैं। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा रेट 14,000 हो गया और उस पर 1% का हमारा डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हमारी प्राइस लिस्ट कैलकुलेट होती है। और लास्ट कंडीशन में हमने कहा था अगर हम 100 से ज़्यादा पीस सेल करते हैं, 100 से हम जितने भी ज़्यादा पीस सेल करें हमारा सारा रेट 13,000 होगा और उस पर 1.5 का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 150 पीस, 100 से आप जितने भी ज़्यादा पीस डालिए आप देखेंगे 13,000 का हमारा रेट हो गया और उसका जो हमारा प्राइस हो गया वो हो गया हमारा 1.5 का। हमने यहाँ पे इस पर आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा दिया। तो सिंपल इस एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं, टैक्स लगा लेते हैं, CGST 9% और SGST यहाँ पे 9%। तो यहाँ पे इस एंट्री को हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब इसका एक और दूसरा तरीका होता है कि अगर हमने भी आपको बताया कि हमने एक स्पेसिफाई कस्टमर को हमने प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सामान बेच के दिखाया विवेक टेलीकॉम, और यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें दो तरीके के ऑप्शन बताता है, नॉट एप्लीकेबल और एक प्राइस लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर में एक ऐसी सेटिंग कर दें कि जैसे हम उसके नाम को सेलेक्ट करें हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ना पूछे, सिंपल हमें प्राइस लिस्ट ही शो, यानी उस कस्टमर को हम हर बार प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही माल को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर में एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप उस कस्टमर के लेजर को ओपन कर लीजिए। उसको ओपन करने के हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर, हम उसकी अल्टरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे रहते हुए जहाँ पे आपको लिखा हुआ प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल यहाँ से इसको प्राइस लिस्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको प्राइस लिस्ट करेंगे सिंपल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए कंट्रोल ए से। एक सेटिंग हम यहाँ पे कर चुके हैं, अब एक सेटिंग हमें यहाँ पे और करनी पड़ेगी। उस सेटिंग को करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए। जैसे आप F12 की प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे सामने सेल्स इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को यहाँ से यस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शन हमारा शो रहा है अलाउ मोडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल, यहाँ पे आप इसको नो रहने दीजिए। अगर ये आपका बाय डिफॉल्ट यस है तो यहाँ से आप इसे नो रहने दीजिए। नो रहते आप देखेंगे जैसे आप अपने किसी भी कस्टमर के नाम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बैक स्पेस की से एंटर प्रेस करते ही हमसे प्राइस लिस्ट ना पूछते हुए सिंपल सेल का लेजर पूछ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब जो हमारा विवेक टेलीकॉम है इसमें हमें कोई भी नोट एप्लीकेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा। विवेक टेलीकॉम कस्टमर को हम हर बार सामान सेल करेंगे तो प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी आइटम को सिलेक्ट करते हैं सैमसंग हेडफोन। सैमसंग हेडफोन के अंदर भी हमने कंडीशन लगाई थी, सबसे पहले अगर हम 10 से कम पीस सेल करते हैं तो हमारा प्राइस यहाँ पे 900 आ रहा है, अगर हम 10 से 50 सेल करते हैं तो यहाँ पे 45 डालते हैं तो यहाँ पे हमारा प्राइस अलग आ जाता है। और आइए यहाँ पे हम दूसरा एक बार डालते हैं, 50 से अगर हम ज़्यादा सेल करते हैं 70 के आसपास तो यहाँ पे हमारा 850 का प्राइस आ रहा है और 1% का हम इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। और यहाँ पे हम दूसरी आइटम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं सैमसंग J7, इस पर भी हमने अलग प्राइस लिस्ट लगाई थी। अगर यहाँ पे हम इसको 10 से कम पीस सेल कर रहे थे यहाँ पे हमारा प्राइस है 19,500, तो यहाँ पे हम इसका प्राइस चेंज कर देते हैं। अगर हम इसका प्राइस डाल देते हैं 50 से ज़्यादा यानी 100 तो यहाँ पे इसका प्राइस 17,000 आ रहा है और साथ ही में 1.5 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो तीनों आइटम्स पे हमारी प्राइस लिस्ट सक्सेसफुली काम कर रही है। तो आइए इस पे टैक्स लगा देते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि इस तरीके से आप प्राइस लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे आप उसके साथ अपनी अकाउंटिंग को करते हैं। अगर आप किसी कस्टमर में प्राइस लिस्ट को बाय डिफॉल्ट रहने देना चाहते हैं, यानी जब भी आप उस कस्टमर के नाम को ओपन करें उसकी प्राइस लिस्ट हर बार वहाँ पे सिलेक्टेड रहे, तो उसके लिए किस तरीके से सेटिंग की जाती है वो भी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया था विवेक टेलीकॉम का, इसकी हमारी प्राइस लिस्ट हर बार सिलेक्ट रहेगी। अगर हम यहाँ से किसी और कस्टमर को ओपन करते हैं भारत कंप्यूटर, तो यहाँ पे उसकी प्राइस लिस्ट हमें हर बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर इसकी भी फिक्स रखना चाहते हैं तो इसके लेजर को ओपन कीजिए और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल यहाँ से इसको प्राइस लिस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हर बार आपको इसकी भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी।
तो इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड की कि प्राइस लिस्ट होती क्या है, किस तरीके से क्रिएट की जाती है, कैसे उसके साथ अकाउंटिंग को किया जाता है। इस वीडियो में हमने आपको सिंगल प्राइस लिस्ट के बारे में बताया। इसके बाद हम आपको एक ऐसी वीडियो बताएंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करके बताएंगे कि एक से ज़्यादा अगर हमारे अगर हम होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो किस तरीके से उसके प्राइस लिस्ट को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसके साथ अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको टैली, ईवेबिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी और आपका लाइक और शेयर करने हमारी मेहनत का फल है। और साथ ही अगर आप हमारे साथ इस कोर्स में कंटिन्यूसली जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।